दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले गुड्डू राजा पार्टी छोड़ते हैं, इसके बाद कैलाश यादव जो हैं उन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, फिरन लाल की टिकट काट दी जाती है और उसके बाद फिर एक और यादव चेहरा का नंबर आता है, सेतु यादव के लिए पार्टी से भगा दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये जाता है जनता के बीच में कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव के ठीक पहले जो घटनाक्रम हुए हैं उससे कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक हताश है, निराश है और जिनकी पार्टी कही जाती है उनकी कोई कदर नहीं रह गई है बेचारे। अब तो ये टाट फट्टी और कुर्सी लगाने के काम ही आएंगे, इसके बाद कुटने के लिए भी यही काम आएंगे, इन पर मुकदमे भी लिखे जाएंगे। ललितपुर में समाजवादी पार्टी की गुटबाजी लगातार किसी ना किसी माध्यम से निकलती हुई आ रही है और अब सेतु यादव को हटाया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी के अंदर भगदड़ कब मचती है। गुड्डू राजा के भी बहुत सारे समर्थक जो हैं वो उस पार्टी में होंगे। जैसे गुड्डू राजा ने कहा था, हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो समर्थक, उन्हें सम्मान नहीं मिला, तो वो कहाँ हैं, वो कब भगने वाले हैं पार्टी से। सेतु के जाने के बाद जो युवा संगठन है, युवा नेता है समाजवादी पार्टी के, सब समाज के, वो कब भगने वाली है देखने वाली बात हो। वैसे आज समाजवादी पार्टी उन पर कार्रवाई करती है। अंदर चुनाव के ठीक पहले पहले सब हुआ है और चुनावी फेस में हम लोग चल रहे हैं। मात्र 15 दिन का चुनाव रह गया है और समाजवादी पार्टी अभी अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही। नेता प्रचार के लिए जा रहे हैं बेचारे, स्थिति ये बन गई कि जनता उनके साथ दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कुछ कमी है जिसके कारण ये सब हुआ है। अखिलेश यादव के निर्णय जो हुए हैं वो कहीं ना कहीं ललितपुर की राजनीति को तो नुकसानदायक हो गए। कैलाश यादव को जिला अध्यक्ष हटाना बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। फिरन लाल को वहां पर टिकट काटने के बाद इतना बड़ा संदेश गया है, इतना बुरा संदेश गया है कि कार्यकर्ता हताश और निराश है और पूरी तरीके से मौजूदा समय में आज के जो समीकरण है उसमें समाजवादी पार्टी कहीं पर भी चर्चाओं में नहीं है। बीजेपी बना बीएसपी होता हुआ नजर आ रहा है, इस प्रकार का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है अखिलेश यादव का लिया गया निर्णय, ललितपुर की गुटबाजी और गुटबाजी का शिकार होता है यादव वोट बैंक। अब की दार तो ऐसे समीकरण बना है कि यादव वोट बैंक ही अखिलेश यादव के साथ ललितपुर में अब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनके ही नेताओं के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, जब बलि चढ़ती है तो यादव नेताओं की क्यों चढ़ जाती है, इसके सवाल खड़े होते हैं। गुड्डू राजा निकल गए, हमारे कैलाश जी बेचारे परेशान घूम रहे होंगे, उनका नंबर कट ही गया है और अब सेतु यादव निपट गए हैं। देखते हैं और कौन कौन निपटने वाले हैं, भगदड़ कितनी मचने वाली है देखने वाली बात होगी। अभी जो मौजूदा स्थिति है वो हमने आपको बता दी है। नेताजी भी परजी भी गांव गांव जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चरण वंदना कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं और वादे भी कर रहे हैं, उनको भी पकड़िए। साथ साथ चुनावी माहौल में जो घटनाक्रम घट रहे हैं उनको भी देखते रहे। जय जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।